वफादार शहजादा। बहुत पहले की बात है, एक बादशाह था जिसका एक लौता बेटा था जो पूरी सल्तनत में अपनी दिलकशी और खूबसूरती के लिए जाना जाता था। शहजादा एक दिन शिकार पर गया। अचानक एक झाड़ी से एक सुनहरा हिरन नुमाया हुआ। हैरत ज़दा शहजादे ने हुक्म दिया और उन्होंने घेरा बनाया। पर फिर मुझे जाने दो। वो हैरत में पड़ गए कि उस जानवर की इंसानी आवाज थी। मैं तुम्हें बेशुमार खजाने दूंगा। मेरे पास पहले से ही बहुत सारी दौलत है, पर मेरे पास एक सुनहरा हिरण तो नहीं है। फिर मैं तुम्हें खजाने से भी कहीं ज्यादा दूंगा। और वो क्या हो सकता है? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर सवारी करने दूंगा जो किसी भी इंसान को इससे पहले नसीब नहीं हुई है। ठीक है। वो चमकता हिरन खड़ा हो गया। 7 दिन और 7 रात तक वो शहजादे को दुनिया भर में उठाए घूमता रहा। 7वें दिन की शाम को एक बार फिर वो जमीन पर उतरा और फौरन ही वो गायब हो गया। शहजादा बहराम गोर ने हैरत में पड़कर अपनी आंखें मली, पर वो उससे पहले कभी भी ऐसे अजनबी मुल्क में नहीं आया था। तुम यहाँ कैसे आए और तुम क्या तलाश कर रहे हो मेरे बेटे? मैंने एक सुनहरे हिरण की सवारी की थी। उसने मुझे यहाँ इस अजनबी मुल्क में छोड़ दिया और फिर गायब हो गया। तुम देवों के मुल्क में हो। मैं हूँ देव जासड्रूल, जिसकी जान तुमने बचाई जब मैं जमीन पर एक सुनहरे हिरण की शक्ल में था। ये तुम हो? मेरे साथ आओ मेरे बेटे। देव जैसड्रूल शहजादे को अपने घर ले गया। जैसड्रूल ने उसे 100 चाबियां दी। आखिर ये है किस लिए? ये मेरे बहुत से महलों और बागों की चाबियां हैं। खुद का मन बहलाओ और शायद तुम्हें कहीं ऐसा खजाना मिल जाए जो तुम रखना चाहो। तो हर दिन शहजादा बहराम गोर एक नया महल और बाग खोलता। बार बार उसे ऐसी दौलत मिली जो किसी के भी दिली ख्वाहिश के मुताबिक हो सकती थी। जब वो 100वें महल में पहुंचा तो ये एक ऐसी झोपड़ी थी जो जहरीले सांपों और कीड़ों से भरी हुई थी। पर जिस बाग में वो खड़ी थी, ये यकीनन ही सभी बागों में सबसे आलीशान था। शहजादा उससे मुतासिर होकर इस तरफ 7 मील भटका और उस तरफ 7 मील भटका। जब वो सो रहा था तो परियों की शहजादी शाहपसंद, जो एक कबूतरी की शक्ल इख्तियार किए हुए थी, उस बाग के ऊपर से उड़ी। इस खूबसूरत सजीले नौजवान शहजादे को देखकर शहजादी हैरतजदा होकर जमीन पर आ गई, इतने खूबसूरत नजारे को देखकर। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, उन दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो गई और उन्होंने बिना वक्त जाया किए निकाह करने का फैसला किया। हालांकि शहजादे ने सोचा कि उसे अपने मेजबान से सलाह लेनी चाहिए। देव जैसड्रूल ने जब देखा कि ये उसका इलाका है। मुझे वो शहजादी मिल गई है जिससे मैं निकाह कर सकूं। बहुत खूब। नौजवान शहजादे को ये देखकर खुशी हुई कि देव काफी खुश दिख रहा था। शहजादा बहरामगोर और शाहपसंद का निकाह हो गया और वो राजी खुशी रहने लगे। पर वो घर जो वो छोड़ चुका था, उसका ख्याल वापस शहजादे के दिल में आया और वो अपने वालदेन की याद में बेचैन रहने लगा। तुम्हारी क्या परेशानी है मेरे शहजादे? उसे लगा कि उसे शहजादी से इस बाबत गुफ्तगू करनी चाहिए जो उसकी नई दुल्हन है, और फिर वो आहें भरने लगा और खाना खाने से भी इनकार करने लगा, जब तक कि वो बहुत दुबला पतला और कमजोर नहीं हो गया। तुम्हें खाना चाहिए, तुम बहुत कमजोर होते जा रहे हो। मुझे परवाह नहीं है, मैं घर जाना चाहता हूँ। अब देव जैसड्रूल शहजादे और शहजादी के कमरे के नीचे ही बैठा रहता था, सब बातें सुनते हुए इस बात का यकीन करने के लिए कि वो खुश हैं। उसने शहजादे बहराम गौर से पूछा कि उसका लगातार कमजोर होने और आहें भरने की वजह क्या है।
ओ नेक देव। एक कमजोर बेकुबत शहजादे के लिए बेहतर होगा कि वो गम से मर जाए बजाय अपने मेजबान से गुस्ताखी में ये कहे कि वो यहाँ से जाने को बेकरार है। मुझे मेरे वालिदैन से मिलने दो, मुझे और मेरी शहजादी को जाने दो, वरना मैं यकीनन मर जाऊंगा। पहले तो देव ने इनकार कर दिया, पर आखिर में उसे शहजादे पर रहम आ गया। तो ऐसा ही हो, हालांकि जल्द ही तुम यहाँ देवों के मुल्क में वापस आने को तरसोगे। हमारी दुनिया बदल गई है उस वक्त से जब से तुम वहाँ से गए थे और तुम्हें मुसीबत होगी। ये बाल अपने साथ ले जाओ, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो इसे जला देना और मैं फौरन तुम्हारी मदद के लिए वहाँ आ जाऊँगा। माफ करना, मेरे पास कुछ नहीं है। या खुदा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये तुम हो। ओ मेरे शहजादे, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे एक अजनबी मुल्क में ले जाया गया था जहाँ मुझे ये बहुत ही खूबसूरत शहजादी मिली। मेरे शहर को क्या हो गया है? मेरे अम्मी और अब्बा कहाँ पर हैं? मुझे माफ करना शहजादे, वो चले गए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुझे बहुत अफसोस है। बेशक उसके वालदेन फौत हो चुके थे, एक हड़पने वाले ने तख्त पर कब्जा कर लिया था और शहजादे बहराम गोर के सर पर एक इनाम का ऐलान कर दिया था उसके वापस आने के हालात में। उस शिकारी ने उस नौजवान जोड़े को अपने घर के अटारी पर रहने की इजाज़त दे दी। मेरी बूढ़ी मान दी है, वो तुम्हें आते आते कभी देख नहीं पाएगी, और तुम शिकार में मेरी मदद कर सकते हो जैसे मैं तुम्हारी मदद किया करता था। तो वो शिकारी के घर में छिप गए। अब एक दिन जब शहजादा शिकार के लिए बाहर गया था, शहजादी शाह पसंद को अपने खूबसूरत सुनहरे बालों को धोने का मौका मिला। उसके लंबे बाल उसके गले के गिर्द लटके थे और उसके टखनों तक पहुंच रहे थे, मानो यह सुनहरी धूप की बौछार हो। और जब उसने उसे धो लिया और उसे कंघी किया, उसने खिड़की खोल दी ताकि ताज़ा सुबह की हवा उसके गीले बालों को सुखा दे। उस वक्त शहर का दरोगा आला वहां से गुजरा। उसने उस अकेली शहजादी को देखा जिसके चमकदार सुनहरे बाल थे। वो इस नज़ारे को देखकर इतना हैरत में पड़ गया कि अपने घोड़े से गिरकर नाले में गिर गया। दरोगा ने कभी भी उस खूबसूरत परी जिसके सुनहरे बाल थे और जो शिकारी के घर में थी उसके बारे में बोलना नहीं छोड़ा। ये कहानी बादशाह के कानों तक पहुंची तो उसने शिकारी के घर सिपाही भेजे, पर क्योंकि वो अंधी थी तो उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि वे किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ कोई नहीं रहता, कोई खूबसूरत खातून भी नहीं और ना ही कोई बदसूरत, सिर्फ मैं और मेरा बेटा रहते हैं। पर जाओ अटारी पर जाओ, अगर तुम्हें देखना ही है तो खुद देख लो। एक चाकू इस्तेमाल करके शहजादी ने लकड़ी की छत में एक छेद बनाया और फिर कबूतर की शक्ल इख्तियार करके वो उड़ गई। तो जब सिपाही अंदर धड़धड़ाते हुए आए तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। शहजादी बहुत गमजदा थी कि उसे अपने खूबसूरत नौजवान शहजादी को छोड़ना पड़ा था। जब वो वहाँ से उस अंधी बुढ़िया के ऊपर से उड़कर गई तो उसने उसके कान में शरगोशी की। मैं अपने अब्बा के घर पन्ना के पहाड़ पर जाऊंगी। अटारी को खाली देखकर उसके दुख की इंतहा ना रही, और अंधी बुढ़िया उसे ज्यादा कुछ न बता सकी थी कि क्या हुआ, सिवाय उस तिलस्मी आवाज के जो उसने सुनी थी। मुझे मेरे अब्बा के घर पन्ना के पहाड़ पर जाना है। यही मैंने सुना था। पहले तो उसे थोड़ी बहुत तसल्ली हुई, पर जब उसे ये इल्म हुआ कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये पन्ना का पहाड़ कहाँ है, तो वो बहुत मायूस हो गया। उसने खाना खाने से इनकार कर दिया और अपनी शहजादी के लिए हर दिन रोता रहा। आखिर में उसे उस तिलिस्मी बाल की याद आई और उसे उसने आग में फेंक दिया। अभी वो जलने ही लगा था कि जब ओ मेरे शहजादे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे पन्ना के पहाड़ का रास्ता दिखाइए। तुम वहाँ कभी जिंदा नहीं पहुँच सकोगे, मेरी सलाह मानो तो उस सब को भूल जाओ जो गुजर चुका है और एक नई जिंदगी शुरू करो। मेरे पास बस एक ही जिंदगी है और वो तो जा चुकी। अगर मैं अपनी शहजादी को खो दूं तो
अगर मुझे मरना ही है तो मुझे उसे ढूंढते हुए ही मरने दो। नौजवान शहजादे से मुतासिर होकर जेस्ट्रोल ने वादा किया कि जितना हो सकेगा उतना वो उसकी मदद करेगा। देवों के देश में वापस आकर उसने उसे एक जादू की छड़ी दी और वो उसे देव नानक चंद के घर ले गया। तुम्हें बहुत से खतरों से रूबरू होना पड़ेगा, पर इस तिलिस्मी छड़ी को अपने हाथ में दिन और रात रखना और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बस यही मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, पर मेरा बड़ा भाई नानक चंद तुम्हें इससे आगे की मदद कर सकता है। उसने तिलिस्मी छड़ी को दिन रात अपने हाथों में थामे रखा। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिर में वो देव नानक चंद के घर पहुँचा। देव अभी अभी 12 साल की नींद से जागा था तो वो इंतहाई भूखा था और शहजादे को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? जब देव नानक चंद ने पूरी कहानी सुन ली तो उसने अपना सिर हिलाया। तुम कभी भी पन्ना के पहाड़ पर पहुँच नहीं सकोगे बेटे, मेरी सलाह मानो। वो सब जो माजी में गुजर चुका है उसे भूल जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। मेरे पास बस एक ही जिंदगी है और वो तो जा चुकी। अगर मैं अपनी शहजादी को खो दूं तो? अगर मुझे मरना ही है तो मुझे उसे ढूंढते हुए ही मरने दो। इस जवाब ने नानक चंद के दिल को छू लिया, इसलिए उसने वफादार शहजादे को जिस के सुरमे से भरा एक डब्बा दिया और उसे अलविदा कहा कि वो उस अजीम देव इलाके से निकले जब तक कि वो अजीम देव सफद के घर न पहुंच जाए। सफद मेरा सबसे बड़ा भाई है, अगर जो तुम चाहते हो वो कोई कर सकता है तो वो वही कर सकता है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो इस सुरमे को अपनी आँखों पर रगड़ना। जिस किसी करीब चीज की तुम ख्वाहिश करोगे वो करीब आ जाएगी, और यदि किसी दूर की चीज की ख्वाहिश करोगे तो वो दूर ही चली जाएगी। जब शहजादे ने देव को छड़ी दिखाई और वो सुरमा, और उसने जब पूरी कहानी सुनी, सफद ने अपना सिर हिलाया। तुम कभी भी पन्ना के पहाड़ पर नहीं पहुंच पाओगे मेरे बेटे, मेरी सलाह मानो। वो सब जो माजी में गुजर चुका है उसे भूल जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। मेरे पास बस एक ही जिंदगी है और वो तो जा चुकी। अगर मैं अपनी शहजादी को खो दूं तो? अगर मुझे मरना ही है तो मुझे उसे ढूंढते हुए ही मरने दो। तुम बहुत बहादुर हो, मुझे तुम्हारी पूरी मदद करनी चाहिए। ये टोपी लो, जब भी तुम इसे पहनोगे तो पूरी तरह से गायब हो जाओगे। उत्तर की तरफ सफर करो और कुछ देर चलने के बाद एक फासले पर तुम पन्ना का पहाड़ देख सकोगे, और फिर अपनी आंखों पर सुरमा डालना और मुराद मांगना कि पहाड़ और करीब आ जाए। ये एक तिलस्मी पहाड़ है, जितना ज्यादा तुम इस पर चढ़ोगे ये उतना ही ऊंचा होता जाएगा। इसकी चोटी पर बसा है पन्ना शहर। इसमें छुपकर दाखिल होना अपनी इस गायब करने वाली टोपी की मदद से। फिर भी वो उसे ढूंढ न सका। हकीकत ये थी कि शहजादी शाह पसंद के अब्बा ने उसे 7 कैद खानों के अंदर डाल रखा था, इस डर से कि कहीं वो फिर से उड़ कर न चली जाए। बाप होने के नाते वो फिक्रमंद था। वो वापस जमीन पर चली जाएगी अपने खूबसूरत नौजवान शहजादे के पास। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास आता तो फिर ठीक है, पर तुम कभी उसके पास वापस नहीं जाओगी। तो बेचारी शहजादी पूरा दिन रोती रहती कि कैसे कोई फानी शख्स पन्ना के पहाड़ तक पहुँच सकता है। उसको देखते ही वह खुद को रोक न सका उसकी बाहों में समाने से। पर ये याद करते हुए कि वो गायब था, उसने इंतजार किया जब तक ये खादिम चले नहीं गए। सभी 7 कैद खानों को एक एक करके ताला बंद करते हुए उसने सोचा कि वो यकीनन ख्वाब देख रही होगी, पर जब सब चले गए तो उसे यकीन हो गया कि कोई उसके साथ कमरे में है। कौन एक ही थाली में खाता है? ओह मेरे प्यारे शहजादे! अगले दिन खादिम ये देखकर हैरान रह गए जब उन्होंने देखा नौजवान शहजादा अपनी शहजादी के साथ बैठा है। ये सारी कहानी सुनकर बादशाह शहजादे बहराम गो की हिम्मत पर बहुत खुश हुआ और उसने शहजादी को रिहा करने का हुक्म दिया। उसका शौहर उस तक पहुंच गया है। बादशाह ने शहजादे को अपना वारिस बना दिया।
وفادار شہزادہ بہرام گور اور اس کی خوبصورت دلہن ہمیشہ راضی خوشی رہے اس پنا کی سلطنت میں۔